रूस में शनिवार को यूक्रेन की तरफ से हुए हमले में 21 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 111 लोग घायल हुए हैं। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन ने यह हमला क्लस्टर बमों से किया है। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। हमला रूस के बेलगोरेद शहर पर हुआ है, जो कि यूक्रेनी सीमा से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर है और यूक्रेन के खार्किव, लुहांस, सूमी इलाकों से सटा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में शुरू हुई रूस यूक्रेन जंग के बाद रूस ने शुक्रवार को इन इलाकों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। इनमें 41 यूक्रेनियों की मौत हो गई थी और इसी हमले के बाद शनिवार को यूक्रेन ने रूस पर हमला किया।